ओके अब हम आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइवेबल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारी पास फंडामेंटल टोटल कितनी है, 7 क्वांटिटी है। कौन कौन से 7 है अगर उसको हम रिकॉल करना है तो अभी बुक में भी आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके ऐसा यूनिट और सिंबल कई बार 3 मार्क्स में एग्जाम्पल में आते हैं, राइट। तो वो एक बार आप देख लो। और सिमिलरली 2 मार्क्स में कंपलसरी हर बार GTU एग्जाम में डिराइवेबल क्वांटिटी, जिसका मैंने आपको याद करवाया था कि जो ऐसा यूनिट है वो कंपलसरी आते हैं 2 मार्क्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सम में भी हमें ऐसा यूनिट की जरूरत होगी। तो ये मत भूलना ये दोनों प्रिपेयर करने। और मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे तो किसी का भी यूनिट प्रिपेयर करना क्या है, इजी। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि 5 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट किसके नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे, तो हमें सिर्फ वही याद रखना है। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, दबाण नो ऐसा यूनिट पास्कल। पी फॉर पावर, जिसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट पे से वॉट, राइट। उसके बाद फोर्स, तो न्यूटन भाई ने उसकी खोज की थी इसलिए हम उसको ऐसा यूनिट क्या दे रहे हैं, न्यूटन, राइट। बढ़नो ऐसा एकम न्यूटन, दबाणनो पास्कल, बराबर छे। पछी पावर एटले कार्यत्वरा, गुजराती में कार्यत्वरा कहवाई, एनो ऐसा यूनिट शू आवशे, वॉट, राइट। तो ये जो 3 है, और हाँ वर्क जिसको हम बोलते हैं गुजराती में कार्य, उसका ऐसा यूनिट है जूल। तो ये जो 5 ऐसा यूनिट है जिसके साइंटिस्ट के नाम पे से हमें याद रखना है तो ईजी होगा। और लास्ट में फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं हर्ट्स, बाकी सब फॉर्मूला के बेसिस पे, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्पीड और वेलोसिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लाइफ टाइम हम नहीं भूलेंगे। अगर स्पीड के लिए हम क्या याद रखें, बाइक के स्पीडोमीटर को, राइट। तो जिस तरीके